अगर हम बात करें तो जितने पैसे आप कमीशन का इन ऑनलाइन बिजनेस के जो एग्रीगेटर्स हैं उनको कमीशन देते हैं पर डे का, अगर आप अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट बना के ऑल इंडिया के स्तर पे जो मैंने 6-7 सिटी की बात करी है उन सिटी से 80% बिजनेस जनरेट होता है। अगर इन्हीं सब सिटीज में आप शुरू में फोकस करें तो मैं आपको दावा करता हूं कि अगर प्लानिंग करके आप चलेंगे। दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन बिजनेस चाहे वो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर हो, चाहे ऑनलाइन रिटेल में जो सेल कर रहे हैं, चाहे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू जो सेल कर रहे हैं वो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, ये तीन इंडस्ट्री आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस से बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मोदी जी का वो बयान दिखाना चाहता हूँ। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्वेंशन 27 फरवरी 2014 की मीटिंग में जो मोदी जी का एक बयान है वो मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि वी शुड नॉट थिंक दैट इफ ऑनलाइन ट्रेडर कम्स वी विल बी फिनिश्ड। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ऑनलाइन ट्रेडर्स आ जाते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। आगे वो लिखते हैं, यू शुड डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट हाउ टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी टू मीट दिस न्यू ग्लोबल चैलेंज रादर देन टेलिंग द गवर्नमेंट शट डाउन ऑनलाइन ट्रेड। मोदी जी यहां पे कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से ये डिमांड कीजिए कि जो ये ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी कि पूरे विश्व में जो परिवर्तन आ रहा है बिजनेस के मॉडल में, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस, उससे कंपीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप सरकार से ये डिमांड कीजिए। हाउ विल यू स्टॉप इट, आप इसे बंद कैसे करेंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी शुड नॉट प्लान टू फ्ली बट टू फाइट। हमें नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, शुड नॉट प्लान टू फ्ली, हमें भागने की तैयारी नहीं करना चाहिए, भागने का प्लान नहीं करना चाहिए, बल्कि टू फाइट, उससे लड़ना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको मोदी जी का यह बयान दिखाया 2014 का, उसी के तहत अभी पीछे कुछ दिन पहले ई कॉमर्स में कुछ नए नियम के तहत उसको दोबारा ड्राफ्ट किया गया है, लाया गया है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जैसा मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि वी शुड नॉट प्लान टू फ्ली, हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें उसे लड़ने के लिए क्या चाहिए यह सोचना पड़ेगा। सिर्फ यूनिटी ही आपको बचा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ई कॉमर्स इस पूरे बाजार पे कब्जा करती जा रही है, जिनका ना अपना कोई प्रोडक्ट है, जिनका ना अपना कोई कैब है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के ही कैपिटल पे आप लोग ही सब इनके लिए करते हो और आपका ही शोषण हो रहा है, तो इससे बचने के लिए आप क्यों नहीं उस बिजनेस मॉडल को एडॉप्ट करते हो जो बहुत जरूरी है। जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस ने पूरे भारतीय बाजार पे कब्जा कर लिया है और जिसके तहत ट्रेडर्स हो या कैब ड्राइवर्स हो, चाहे होटल इंडस्ट्री वाले हो, सब चिल्ला रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक बार कबूतर का झुंड आसमान से उड़ते हुए जा रहा था तो नीचे दाना दिखाई दिया और सारे कबूतर उस दाने को चुगने लगे। शिकारी ने वहां पे जाल बिछा रखा था, कबूतर उस पे फंस गए, तो कबूतर में से सबने सोचा कि हमारी जान तो आज चली गई, तो एक कबूतर ने बोला कि क्यों ना हम सब जोर लगा के इस जाल को ही लेके उड़ जाएं, और सारे कबूतर उस जाल को लेके उड़ गए और उनका एक दोस्त था चूहा जिसके पास गए और चूहे ने उस जाल को काट दिया और सब आजाद हो गए। इसी तरह से इस ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं उन्होंने इस तरह का जाल फैलाया कि आप सब व्यापारी उसमें फंस चुके हैं, लेकिन उससे निकलने का भी वही तरीका है जिस तरीके को अपनाकर इन्होंने आपको गुलाम बनाया या आपकी शोषण हो रही है, निकलने का भी वही तरीका है। लेकिन निकलने के लिए आपकी यूनिटी, आपकी एकता बहुत जरूरी है, तभी उस जाल से आप निकल पाएंगे, उस जाल को ही लेके उड़ पाएंगे। हर लोग चाहते हैं कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन आएगा और उनके जो समस्याएं हैं उनको निजात मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर कैब एग्रीगेटर्स की ही बिजनेस की बात करें तो सारा पूंजी तो ड्राइवर्स का है, 7-10 लाख की पूंजी तो ड्राइवर लेके चलता है, कैब एग्रीगेटर तो अपने को बीच का सिर्फ ब्रोकर मानते हैं। ऐसे ही होटल इंडस्ट्री में है, ऐसे ही फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन में हो, तो मार्केट पे जो इन्होंने कब्जा किया है इससे बचने का तरीका क्या है और कैसे आप दोबारा से फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ तो आपको मैच करना पड़ेगा, उसके साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल तो सारा आपके सामने है, आपको सिर्फ उस पे एक्ट करने की जरूरत है, तो बाजार तो तीनों ही आपके सामने है और बाजार आपका है, जिसको सारे ऑनलाइन बिजनेस वाले यूज कर रहे हैं, उस बाजार को भी और आपके पूंजी को ही यूज कर रहे हैं। आपके पास बाजार है, सब कुछ है,
अगर आप एग्जाम्पल देखें तो पीछे एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे ओला वालों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उनको किसी ने रास्ते में उतार दिया तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपना ऐप बनाऊंगा जिससे ये होगा ब्ला ब्ला ब्ला। आप रेड बस वालों का एग्जाम्पल देखें तो उनको अपने घर जाना था छुट्टी में, तो उनको बस में टिकट नहीं मिला तो उनको उन्होंने ऐप बना लिया। तो ये कहानी की सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस कहानी में एक चीज जरूर छुपा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई मुश्किलें आ रही है और वो मुश्किलें इस लेवल पे आ चुकी है जहां पे आज के हम कैब ड्राइवर्स की बात करें तो उनकी हत्याएं कर दी जाती है, यानी कि जीवन तक का खतरा होता है आपके काम में जो आप दूसरों के लिए उठा रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी समस्याएं हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपकी कैब छीन ली जाती है फर्जी पैसेंजर के द्वारा, तो फिर आपके दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आता जहां पे इतनी समस्याएं आपके साथ हो रही है, तो आपके दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आता कि हम इससे बचे कैसे। चाहे वो कोई भी ऑनलाइन इंडस्ट्री वाले हो तो उनके दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आता। आपको अगर इस ऑनलाइन बिजनेस के गुलामी से छुटकारा चाहिए तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन खुद के लिए ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी बात नहीं है आज के डेट में। अगर मैं बात करूं, आप ऐप की बात करें, तो मैं आपको यहां पे एक आंकड़ा देता हूं कि अगर आप टैक्सी ऐप डेवलपर सर्च करेंगे गूगल पे तो तकरीबन 6 करोड़ पेज खुलते हैं, 6 करोड़ ऐप डेवलपर आपके सामने आते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। अगर आप Amazon Flipkart टाइप का ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो उसका अगर आप सर्च मारेंगे गूगल पे तो विद इन 30 सेकंड में तकरीबन 14 करोड़ ऐसे ऐसे ऐप बनाने वाले आपको गूगल पे मिलेंगे। और इसी तरह से अगर होटल ऑनलाइन बिजनेस के ऐप के बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे बनाने वाले कौन कौन है तो तकरीबन 30 सेकंड में 37 करोड़ ऐप बनाने वाले आपको मिलेंगे। तो ऐप क्या नासा में जाके बन रहा है कि आप लोग सोचते हो कि ऐप नासा में बनता है जहां पे आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा? अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, वहीं पे अगर हम बात करें तो 80% जो कैब एग्रीगेटर्स की बिजनेस है, जो उनका रेवेन्यू है, वो सिर्फ मेट्रो सिटी से आता है। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, अगर ये चंद सिटी जो अंगुली पे गिने हुए सिटी है, अगर यहां के भी आप सारे लोग एक होके अपना एक संगठन बना के क्यों नहीं अपना ऐप आप बना सकते हैं? सिर्फ 3 दिन में आपको ऐप मिलेगा। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि लोग सोचते हैं कि ऐप बनवाऊंगा, उसको मेंटेन करना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐप अगर आप बनवाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी बैठी हुई है जिनका यही काम है, वो महीने के फिक्स आपसे पैसे ले सकते हैं या बहुत ही नॉमिनल कमीशन उस पे वो काम करेंगे जो आपको ऐप मेंटेन करके देंगे। आप अपना एक संगठन बनाइए, आप उसमें से आप हर शहर से 2-2 लोग उसमें रखिए जो आपके टैक्सी ट्रेड से जुड़े हुए हो। कहने का ये मतलब है कि जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रही बात फाइनेंस की, तो कैपिटल तो आपके पास है, आपकी गाड़ी ही आपकी कैपिटल है। अगर हम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करें इसमें, तो आप एक चीज मान लीजिए कि आज की रेट में क्या हो रहा है कि ऑटो के रेट पे आपको कैब चलाना पड़ रहा है। अगर आप एक शहर में, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 1 लाख गाड़ियां मान के चलूं, जिसमें आप ऑटो भी ले लीजिए, काली पीली भी ले लीजिए और कैब भी ले लीजिए जो रेडियो टैक्सी है आपकी, अगर हर गाड़ी से पर डे का 1 रुपया अगर आप मानते हैं तो 1 लाख रुपया रोज, यानी कि 30 लाख रुपए महीने के। अब आप समझिए कि अगर एक गाड़ी से आप इन कैब एग्रीगेटर्स को 1,000-1,500 रुपया रोज देते हैं कमा के कमीशन के रूप में, उसके बाद आप जुर्माना भरते हैं, तरह तरह के किलोमीटर कम देते हैं, ये कभी टैक्स नहीं जोड़ते हैं, मैं सिर्फ 1 रुपया से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर एक गाड़ी से आप 5 रुपया लेते हैं तो आप समझिए कि 5 लाख रुपया रोज, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया महीना। आप किसी फाइनेंस तो आपके पास पड़ी हुई है, आपको सिर्फ प्लान करना पड़ेगा। ऐसे ही होटल इंडस्ट्री है, अगर सारा होटल इंडस्ट्री का एसोसिएशन मिलकर अपना ऐप लॉन्च करे कि हम इसी के तहत काम करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको प्लान करनी पड़ेगी। हालांकि जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं उतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी यूनिटी दिखा के अपने व्यापार को दोबारा से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन पकड़ना ऐसे पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज करना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने बिहेवियर आचरण में फर्क लाना पड़ेगा। कैब ड्राइवर्स की बहुत सारी शिकायतें आती है कि वो पहले ऐसे करते थे, वैसे करते थे, पहले वो 25 रुपए किलोमीटर मांगते थे, 30 रुपए किलोमीटर मांगते थे, वहीं पे वही कैब एग्रीगेटर 50 रुपए किलोमीटर इनसे लेता है, तब इनको एतराज नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा अगर काम ना करें, आचरण और बिहेवियर को ठीक रखें, तो बिजनेस करना बहुत ज्यादा नामुमकिन नहीं है।
आपके पास बाजार है, आपके पास पूंजी है, सिर्फ एकता की जरूरत है। तो जितने पैसे आप कमीशन का इन ऑनलाइन बिजनेस के जो एग्रीगेटर्स हैं उनको कमीशन देते हैं पर डे का, अगर आप अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट बना के ऑल इंडिया के स्तर पे जो मैंने 6-7 सिटी की बात करी है उन सिटी से 80% बिजनेस जनरेट होता है, अगर इन्हीं सब सिटीज में आप शुरू में फोकस करें तो मैं आपको दावा करता हूं कि अगर प्लानिंग करके आप चलेंगे हर शहर में, हर मेट्रो सिटी में ड्राइवर्स के लिए स्कूल बनवा सकती है, ड्राइवर्स को फ्री मेडिकल सुविधाएं मिल सकती है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है ड्राइवर्स के बच्चों को एजुकेशन के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है, किसी के घर में बिटिया की शादी है उसके लिए बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं। आप समझेंगे अगर बात को तो कर पाएंगे। तो वक्त को अगर बदलना है तो आपको यूनिटी बना के और सेम बिजनेस मॉडल सेम तरीके से आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सच्चे मन से बिजनेस करना चाहते हैं और सही तरीके से करना चाहते हैं तो जो ऐप आप बनवाएं उसको गवर्नमेंट से वेरीफाई करवाएं, गवर्नमेंट को अपना डेटा दे, बोले कि साहब ऑनलाइन भी चेक करते रहो, ताकि इन कैब एग्रीगेटर्स का जो ये बहुत बड़ा एक गोरख धंधा चल रहा है कि ऐप का डेटा सरकार को नहीं देना है, तो आप बढ़ चढ़ के सरकार को दीजिए, उसमें सरकारी रेट हो, जो सरकार ने रेट फिक्स किया है हर स्टेट में वो रेट हो, सब कुछ हो। आपको अपना वक्त, चाहे वो होटल वाले हो, चाहे कैब ड्राइवर्स हो, चाहे आपके रिटेल सेलर हो, अपने वक्त बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन यहां पे लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा फाइनेंस लगेगा, सब कुछ लगेगा। आप अगर इस चीज को हेड डाउन करके सोचेंगे तो सारा फाइनेंस आप ही कर रहे हो जो दूसरे आपके व्यापार को छीन रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा इनोवेटिव आइडिया से, अपने व्यवहार आचरण को ठीक करना पड़ेगा और एकता दिखा के, चाहे होटल एसोसिएशन वाले हो, रिटेल सेलर हो और चाहे वो कैब ड्राइवर्स हो, हर शहर में अपनी एकता दिखा के और अपना एक ऐसा ऐप डेवलप करें जो पूरी तरह से सरकार को भी दे कि सर ये डेटा लो, हमें नहीं छुपाना है, हमें हेरा फेरी नहीं करना है, सरकारी रेट इसमें डाला है हमने, इसमें ये सुविधाएं, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप आराम से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एकता की शक्ति को अपना करके आप लोगों के साथ जो भी शोषण हो रहा है ऑनलाइन जो बिजनेस के थ्रू, चाहे ये जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन एग्रीगेटर्स, उससे निकलने के लिए आप एकता बनाइए और बहुत ही नामुमकिन चीज नहीं है, आप उससे बाहर आ सकते हैं और बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि लोहा ही लोहा को काटता है।